तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में पाए जाने वाले ऐसे प्राणी जो गोबर और मूत्र पीने के बाद साइंटिस्ट और डॉक्टर बन जाते हैं। गोमूत्र देखो क्या है, गोमूत्र में हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 3300 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अगर गौमूत्र पीने से और गाय का गोबर खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो शायद हॉस्पिटल्स की जरूरत ही नहीं होती। गौमूत्र और गाय का गोबर, ये इलाज है कोरोना वायरस का? जी हाँ, मैं अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। ये अब उनका औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती रहेंगी। बहुत अच्छा टेस्टी होता है। सर ये जो आप सेवन कर रहे हैं क्या है? ये गौमूत्र है, गौजरण जो गाय से प्राप्त होता है। गाय एक ऐसे वरदान है पृथ्वी पर जो पूरे धर्मशास्त्रों के पुरातन समय से ही चला आ रहा है। गाय में सारे बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति है, जबकि गाय का गोबर, गाय का जहरण भयंकर से भयंकर बीमारियों को दूर करता है। जैसा कि देख सकते हैं ये जो वायरस चल रहे हैं, कि जो कोरोना वायरस है या और कोई वायरस है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में इसमें गौमूत्र में ऐसी शक्ति है, अगर उसका पोंछा लगाया जाए घर में तो बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अगर 2-5 घूंट अगर रोगी को पिलाए जाए तो उनकी भयंकर से भयंकर बीमारियाँ दूर होती हैं, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया रहते ही नहीं है। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो जरा उपयोग करो। जितने भी आप सेलिब्रिटीज लगा लीजिए, आप जो मिनिस्टर्स हैं वो लगा लीजिए, वो बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज आपने उन पे वर्क ही नहीं किया। तो ऐसे टाइम अगर गौमूत्र और गोबर से ही सब कुछ ठीक होता है तो अरुण जेटली जी या जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं आप पहले उनके ऊपर टेस्ट करते ना, आप उनको खिलाइए। अगर आपको लगता है गौमूत्र पीने से और गोबर खाने से ही सब ठीक हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स बंद करिए। आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, कितना मजाक उड़वा रहे हैं इस हमारे देश का। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूरी चढ़ाए, हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। कौन सी सदी में है, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये देश कहीं भी आगे जा रहा है? आगे नहीं जा रहा ये देश, ये 50 मैं कहती हूँ 100 साल से भी पीछे चला गया है।